हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा अभी तक आप लोगों ने आई होप सो पहले के चार पांच वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। आज जो अपन लेकर के आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2021 के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस हैं, जिनको आज अपन डिस्कस करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल कहलाएगी आपकी सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स की फॉर्मेट में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर कोई इशू आता है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपिजम ए बी सी डी। आपके पास क्या है, एक ट्रेपिजम है, कौन सा ए बी सी और डी आपका ट्रेपिजम है। ये ए, ये बी, यहाँ पर सी और ये डी आपका ट्रेपिजम है। ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, दे रखा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी डायगोनल अपन ने यहाँ पर खींची गई है और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को किसके ऊपर, ओ वाले पॉइंट पर। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी जो है वो ओ बी अपॉन ओ ए अपॉन ओ सी जो है वो ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा किस तरीके इसका प्रूफ वैरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले गीवन क्या है आप लोगों के पास, हर चीज़ गीवन टू प्रूव आप लोगों को मेंशन करना है। गीवन है आपका ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, तो ए बी को आपने डी सी के पैरेलल कर दिया। अब टू प्रूव आपको ये करना है, तो यहाँ पर लिखोगे टू प्रूव आपको ये वाली चीज़ करनी है, क्या ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, नाउ द प्रूफ। अब ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से सिमिलरिटी क्राइटेरिया अपन अप्लाई करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अपने पास ट्रायंगल है, ट्रेपिजियम है, कौन सा इन ट्रेपिजियम ए बी सी डी, कौन सा ट्रेपिजियम है आपका ए बी सी और ये डी आपका ट्रेपिजियम है। जहाँ पर मुझे गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ए सी, ए बी जो डी सी के पैरेलल और ए सी आपका ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और एक बार जो ट्रांसवर्सल पता चल जाता है तो अपन अब इसके अंदर आगे के काम कर सकते हैं। से ध्यान से देखना, मैंने कुछ चीज़ों को अपन कंसिडर कर लेंगे। से मैंने यहाँ पर ऊपर वाला एंगल इसको बोल दिया, ऐसे वन टू एंगल मानना थोड़ा इजी रहता है, इसको वन मान लिया, इसको आपने एंगल नंबर टू मान लिया, ये आपका इधर बी वाला, ये आपका एंगल हो गया कौन सा थ्री, और ये वाला एंगल हो गया आपका कितना फोर। ठीक है, ऐसे आपने एंगल कंसिडर कर लिया। ठीक है, यानी एंगल वन जो हुआ वो एंगल किसके बराबर हो गया, टू के, और ये चीज़ क्या कहलाती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ट्रांसवर्सल है आपके पास कौन सा, ए सी आपका ट्रांसवर्सल है। सिमिलरली अगर ए बी डी सी के पैरेलल है और बी डी आपका ट्रांसवर्सल है, अभी तो मैंने ए सी को ट्रांसवर्सल माना, अब मैं किसको ट्रांसवर्सल मानूंगा, बी डी को, तो बी डी अगर आपका ट्रांसवर्सल है, बी डी इज ट्रांस वर्सल, तो अगर ये ट्रांसवर्सल होगा तो क्या कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, अब ध्यान से देखना, एंगल थ्री इक्वल टू कितना एंगल फोर, वही अल्टरनेट इंटीरियर क्या एंगल्स, दोनों एंगल इक्वल हो गए। यानी मुझे अब ट्रायंगल को कंसिडर करने की देर है और चीज़ों को डिटरमाइन करने की देर है, क्योंकि दो चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब मैंने ट्रायंगल ले लिया, कौन सा ए ओ और ये बी वाला ट्रायंगल ले लिया, और ट्रायंगल कौन सा ले लिया, सी ओ डी, क्योंकि मुझे इसी की साइड चाहिए, इसलिए मेरे को ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए। क्या लिया मैंने, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा सी ओ और ये कौन सा डी। अब इन दोनों ट्रायंगल की खास बात क्या दिख रही है, वन और टू बराबर है, थ्री और फोर बराबर है, तो बाय ये फ्रॉम फर्स्ट और ये क्या मान लो सेकंड, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू फ्रॉम फर्स्ट और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर फ्रॉम सेकंड, तो बाय ए ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हुए या नहीं, तो बाय बाय ए ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो बी पी टी अप्लाई कर सकता हूँ, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या ओ बी अपॉन में कितना ओ डी, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में कितना ओ डी, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है क्वेश्चन को करने का जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आता है, सिर्फ आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, नाउ द बच्चों नया क्वेश्चन है अपने पास कि अगर ट्रायंगल ए बी ई जो है ए बी और ई ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी और डी इस वाले ट्रायंगल के, तो शो करो कि ए डी जो है वो आपका सिमिलर है ए बी सी के।
ठीक है, दिख रहा है सबको, ए डी ई जो है वो सिमिलर है किसका, ए बी सी के, ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो कैसे, गिवन क्या हो गया आपके पास, गिवन आपका ये हो गया, ये आपका गिवन डेटा हो गया, ये आपका टू प्रूव वाला डेटा हो गया, अब इसका प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, सबसे पहली बात उसने बोला है प्रूफ, कौन से दो ट्रायंगल प्रूफ कर दे रखे उसने, ट्रायंगल ए डी सॉरी बी ए बी ई जो है वो कॉन्करेंट है ट्रायंगल कौन सा का, ए सी और डी के, है कि नहीं है, गिवन है अपने को। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट तो सी पी सी टी क्या कहती है कि ए बी और ए सी दोनों बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे सी पी सी टी के थ्रू, ऑल्सो ए ई जो होगा वो भी बराबर होगा किसके, ए डी के, बाय दोनों में कंडीशन सेम सी पी सी टी लगा दिया, ए बी जो पूरी साइड है ये पूरी साइड किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी, तो ए बी को ए सी के बराबर कर दिया, ए बी इक्वल टू कितना ए सी, और बी ई सॉरी ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे सी पी सी टी के थ्रू मैंने दो साइड्स को इक्वल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बेटा ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ए सी आ जाएगा, तो ए बी ए सी तो पहले से ही थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने ए बी को ए सी के बराबर मान करके अब इसको उठा के चल रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको उठा लिया है यहाँ पर, ध्यान देना इसको कैसे कर रहा हूँ, तो ए सी को नीचे डाल दो, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू कितना कर दिया आपने, वन कर दिया, ठीक, इसको फर्स्ट कह दिया। सिमिलरली मैंने दूसरे वाले को उठाया, ए ई अपॉन ए डी कर दिया उसको, ए ई अपॉन में कितना ए डी इक्वल टू कितना कर दिया वन, इसको बोल दिया ये कितना सेकंड है, ए बी अपॉन ए सी ए ई अपॉन ए ई अपॉन ए डी के बराबर, चाहे ए डी अपॉन ए ई के बराबर है, इसको ए डी अपॉन ए ई कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा, सी वेट अ मिनट, तो मैंने इसको कर दिया ए डी अपॉन में कितना ए ई के बराबर, ठीक है। क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि अगर मेरी साइड प्रोपोर्शनल हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरे जो ट्रायंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए मैंने साइड को प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ ताकि मैं कन्वर्स और बीपीटी लगा सकूँ आराम से। तो मैंने कर दिया ए बी अपॉन में कितना, ये पूरा ए सी जो है ना, ए सी वाला हिस्सा जो है वो बराबर कर दूंगा ए डी अपॉन ए ई के, तो मैंने ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू कर दिया ए डी अपॉन में किसके, ए ई के बराबर कर दिया। अब मैं जानता हूँ जो ए सी और ए डी है उनको इंटरचेंज कर लो, ए डी को नीचे डाल दिया, तो ए बी अपॉन में कितना ए डी इक्वल टू ए सी को ऊपर डाल दिया, ये सी है, ए सी अपॉन में कितना ए ई, ए सी अपॉन में कितना कर दिया ए ई। अब ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए ई ये आपका कन्वर्स ऑफ बी पी टी है ना, उल्टा भी कर दोगे तो भी कन्वर्स ऑफ बी पी टी लग जाएगा, तो यानी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में कितना ए सी। तो अब दो ट्रायंगल कंसिडर कर लिए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों एंगल कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन, या अपन ने यहाँ लिख दिया ए डी अपॉन ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए ई अपॉन में किसके, ए सी के। अगर ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी के बराबर है जो अभी अभी प्रूव किया है, तो बाय साइड एंगल साइड दो साइड यहाँ दो साइड्स यहाँ पर हैं और एक एंगल यहाँ पर है, तो ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए बी सी के, और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से चीज़ों को समझो और करो, ट्रायंगल्स को कंसिडर करना प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए, एक बार ट्रायंगल प्रॉपर फॉर्मेट में सेलेक्ट हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। मुझे दे रखा था ये वाला जो है वो ए बी सी के रेस्पेक्ट में, ए सी डी का ये वाला जो है ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रंट है, कॉन्ग्रंट हैं तो साइड्स इक्वल होंगी सी पी सी टी के थ्रू, इसलिए मैंने ए बी को ए सी के बराबर कर दिया, है ना, ए बी को ए सी के बराबर कर दिया और ए ई को ए डी के बराबर कर दिया, फिर दोनों को इक्वेट थे तो दोनों को इक्वल करके साइड्स का रेशो पता कर लिया और काम शुरू कर दिया, ठीक है, डन। आई होप सो मज़ा आया होगा, अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर सको चीज़ों के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है। नाउ अपन थर्ड वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान से देखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बोर्ड्स के एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, और है बहुत आसान। हमारे पास ऑल्टीट्यूड दे रखा है AD, AD एक ऑल्टीट्यूड है और CE एक ऑल्टीट्यूड है किसके, ट्रायंगल ABC के ऊपर, ये A ये B और ये C आपका एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर हमारे पास दो ऑल्टीट्यूड्स वैरी कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव करना है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक पॉइंट पर, जो कि पॉइंट कौन सा आपका P है, प्रूव करना है AEP, A
ई और ये पी वाला, ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये सी डी पी के बाहर आ रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल में खास बात दिख रही है, सबसे पहला ही काम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। और एक एक एंगल दोनों के 90, एंगल डी बी 90 और एंगल ई बी 90 है, ये वाला अंदर ले लो ना, एक ही बात है, वो तो कहीं पर भी लो, डी को बाहर लो चाहे अंदर लो। तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, पहला वाला काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी। तो कंसिडर करते हैं पहला वाला पार्ट, बताता हूँ सबसे पहले मैं ए ई पी और सी डी पी वाला। इसके अंदर ध्यान से देखो, एंगल ए पी ई जो है बेटा वो बराबर है आपका एंगल सी पी और ये कितना डी के। अगर दोनों बराबर क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं अपने पास, एक बार जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए तो इक्वल। और एंगल ई जो है वो एंगल डी के बराबर है, ईच कितना 90 डिग्री। अब बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स कौन से ए ई पी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी पी के सिमिलर हो गया। बस पहला वाला काम डन। ठीक है, अब अपन दूसरा वाला शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। अगला वाले में भी यही काम करना है अपने को, इसको हटा देता हूँ, इसको या तो कर लो फिर हटा देंगे। ए बी डी नाउ, अब कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है वो ए बी डी कौन सा है, ये वाला ए बी और ये कौन सा डी, ये वाला ट्रायंगल है। और ट्रायंगल है सी बी ई वाला, सी बी और ई ये ऊपर वाला। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले खास बात क्या दिख रही है, बी कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। और दोनों में एंगल एक एक 90 दिख रहा है ना, तो बस वापस से वही लगा देंगे ए बी डी। सेकेंड वाला प्रूव कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल कौन सा ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, सी बी और ये कौन सा ई वाला लगा दो, पुराने वाली चीज़ें हटा दो अगर दिक्कत दे रही है तो, बस ये अपन ने रिमूव कर दिया। नाउ ए बी डी के अंदर क्या दिख रहा है, एंगल डी जो है वो एंगल ई के बराबर है, दिख रहा है दिख रहा है सबको, ए डी बी वाले ट्रायंगल में डी वाला 90 दिख रहा है। और दूसरा कौन सा है, सी बी और ई में ई वाला 90 दिख रहा है, तो बस लगा दो ना। तो पहले लगा दिया एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ईच कितना 90 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या है कॉमन है, तो ये कॉमन लगा दिया, कॉमन कर दो। ठीक है, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वेरी इजी। ठीक है, देयरफॉर बाय ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय ए ए सिमिलरिटी। ठीक, डन। सेकंड वाला भी हो गया अपना, कितना इजीली आराम से अपन ने कर रहे, इतना बड़ा है, बस देखने की बड़ी चीज़ है, बाकी अगर करने लगोगे तो बहुत इजीली अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अपन अगले वाले ट्रायंगल पे आएंगे। अब कौन सा बचा है, दो तो हो गए हमारे प्रूव, तीसरा वाला प्रूव करते हैं, तीसरे वाले के लिए तीसरा कलर। अब ए ई पी जो है इसको कौन है, ए पी ये ए ई और ये पी, ये वाला जो ट्रायंगल है वही पहले वाला ए डी बी, ए डी और बी, ए डी और बी इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब आराम से ऐसे डिजाइन बना लो ताकि आपको पता लग जाए ए एंगल कॉमन है, तो एंगल ए कॉमन और ई और डी 90 90, वापस से वही काम कर देंगे। तो ए पी ए डी बी के रेस्पेक्ट में, तो एंगल पी ए ई जो है वो इक्वल है एंगल बी ए डी के, कॉमन एंगल ए और एंगल ए क्या कॉमन। और एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, ईच कितना 90 डिग्री, तो ट्रायंगल बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ई पी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ए डी बी के। डन, ये हो गया हमारा कौन सा नंबर का, थर्ड। नाउ अब अपन आएंगे किसके ऊपर, चौथे वाले पर। फोर्थ वाले को ध्यान से देखो क्या है, आराम से वीडियो को पॉज कर दो और चौथे वाले को ट्राई करो, देखिए तुमसे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, बहुत ईजी है। कलर ले लेते हैं अपन दूसरा। ठीक है, अब अपने को चौथा वाला प्रूव करना है, पी डी सी कौन सा दिख रहा है, पी डी और ई सी, ये छोटा वाला पी डी सी, ये बी ई सी, बी ई और सी दोनों में ध्यान से देखो कॉमन है कौन सा, एंगल सी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या कॉमन, और ये वाला एंगल 90 और एंगल डी वाला भी 90, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई 90, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई कितना है दोनों का 90, तो दोनों ट्रायंगल बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी डी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी का, और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आप लोगों को चीज़ें करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन प्रोफाइल डिस्कस करी हैं आज, तो बहुत ध्यान से इन तीनों प्रोफाइल्स को करो। अच्छा लग रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ें मिल सके। ज्वाइन हो सकते हो आप हमारे साथ मैट्रिक्स कोटा 9829086499 या मैट्रिक्स कोटा डी जी वी के रेस्पेंडमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से ज्वाइन होकर के प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोग आगे बहुत अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है,
ओके बाय।